दोस्तों, आपका लग जा चुका है और रिफ्रेश ब्लॉग लेकर वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अगर सबसे पहले आप बताओ कैसे हो, और जो दिल्ली एनसीआर में मेरे सब्सक्राइबर्स रहते हैं एंड उन सबको पता ही होगा कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है शंभू बॉर्डर पे, ठीक है, और नोएडा में भी चला था, अभी रैली निकली थी फार्मर्स की, बट वो वैसे वाला प्रोटेस्ट नहीं था। तो आज मैं अपने घर से जा रहा हूँ सिंगू बॉर्डर, जो कि 30 किलोमीटर है मेरे घर से, वहाँ जा रहा हूँ और देखूंगा कि वहाँ क्या है। अभी आज की जो उनको डेट थी कि हम 21 फरवरी को दिल्ली में आएंगे, ठीक है, अपना प्रोटेस्ट करने, वहाँ चल के क्या सीन है, बैरिकेड कितने हैं, कितनी फोर्स है, सब कुछ आपको इसी वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी मॉम के साथ। हाय मॉम, हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? बढ़िया। तो जी, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सा रास्ता ब्लॉक है, कौन सा नहीं है, सब बताऊंगा इस वीडियो में, जुड़े रहो एंड तक, लेट्स गो। और गाइस, एक बात और बताऊं, मुझे आपसे सजेशन भी लेना था कि ये वाला जो मैंने पग आज बांधी है, ठीक है, ये कलर है अपना ब्लू, ठीक है, तो स्काई ब्लू टाइप है। तो आप ये बताओ कि ये वाला कलर कैसा लग रहा है और कौन से मैं कलर ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं जरूर आपकी कमेंट्स में पढ़ के फिर ट्राई करूंगा। कैसा लग रहा है मम्मी आपको, आप अपना बताओ। अच्छा लग रहा है, गुड नाइट, है ना। ब्राउन भी अच्छा लगता है, ब्राउन एक, हाँ एक गाइस मेरे पास ब्राउन भी है, उसकी भी रील्स आपको दिख जाएंगी इंस्टाग्राम पे, मेरे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और रील्स भी एंजॉय कर सकते हो मेरी। यही मुझे आपसे बात करनी थी क्योंकि यार मतलब रास्ता लंबा भी है और मुझे आपसे बातें करने में अच्छा मजा भी आता है। मतलब जो भी मैं जहाँ जो कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊँ, बेस्ट से बेस्ट डील है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। चल रहे हैं अभी, चलो चलते हैं। जो अपना साइड में कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली का मशहूर करनाल हाईवे वाला, यहाँ पर ये बैरिकेड देख सकते हो, ये हैं, पर ये देख रहे हो ये कंटेनर पड़े हुए गाइस, ये रहे कंटेनर, दिल्ली पुलिस की ये फौज खड़ी हुई है, ठीक है, पुलिस खड़ी हुई है, बहुत सारे बैरिकेड और सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है, लगे हुए हैं बैरिकेड वगैरह, पुलिस भी है तैनात यहाँ पर। यार यहाँ आप आ गए हैं हम, ठीक है, सिंगू बॉर्डर से, बस ये फ्लाईओवर उतरेंगे, सिंगू बॉर्डर है, ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो कनोपियाँ लगी हुई हैं पुलिस की और बड़ी सारी। अब हमें नीचे से जाना है, और वैसे भी गए हमें, वैसे मैं अगर होता तो नीचे ही जाता, ऊपर बंद किया हुआ है फ्लाईओवर, ठीक है, सिंगू बॉर्डर वाला, तो बस इसके उतरते ही हरियाणा एंटर अपना कर जाएंगे हम। अब देखते हैं, बहुत पुलिस है गए, लेफ्ट राइट साइड भी भरी पड़ी है, वापसी जाएंगे दिखाऊंगा आपको, इधर बैरिकेड है, नहीं आगे जाने दे रहे। और ये वाटर कैनन वाला जो मशीन है इनकी, ये भी यहाँ पर ही आई हुई है, ठीक है, पुलिस की काफ़ी ज़्यादा अपना जो फोर्स है वो लगी हुई है। आगे चलते हैं और देखते हैं कितनी फोर्स और क्या है। अपनी कार जो है गाइस यहाँ, ये नरेला का जो फ्लाईओवर है इसके यहाँ खड़ी कर दी है, ठीक है, मैंने सबकी यहीं पर ही खड़ी है, इसे देख लो गाइस, रास्ता बंद है, चलो चलते हैं आगे, पैदल जाएंगे ऑब्वियसली यार, वो देखो मम्मी गाइस चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, अपना आगे सिंगू बॉर्डर की तरफ, अपना देख सकते हो ये बसें खड़ी हैं मम्मी, अगर देखो गाइस किसान आएंगे तो ये बसें फिर ये बीच में कर देंगे तो रुक जाएगा उनका रास्ता, बट ये भी हम पट देंगे, हमें जो मुझे पता है किसानों का। अच्छा, सारी बैरिकेड, पुलिस, बहुत सारी फोर्स लगी हुई है। हम उस साइड से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप इधर से आ जाओ, तो हम अब इधर से जा रहे हैं और सब देख रहे हैं, मतलब पगड़ी जैसे मैंने बांधी हुई है ना, अलग है, मतलब एक पग बन के ना राजी वाली फील हो जाती है पूरी, इसीलिए भाई सही लगता है, पूरा प्राउड फील है। देख सकते हो गाइस कितने बड़े बड़े हैं ये किसानों को रोकने के लिए, बड़े बड़े ट्रक जो है अपना ये लगे हुए हैं, और जो आम पैसेंजर हैं, मतलब जो अपना पैदल चलने वाले यात्री हैं, उनके लिए छोटी सी जो साइड से जगह है ये हम आगे जाने के लिए। फोर्स बड़ी सारी गाइस, पुलिस और सब ने कवच पहने हुए हैं और डंडे डंडे अपना सब, ठीक है, ये वाली मम्मी। तो जी मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कि किस तरह के नाल है, पूरा इतने बैरियर लगे हुए ने, अपना ड्रोन भी उड़ रहा है, ठीक है, तो इतने भारी संख्या के फोर्स लगी हुई है किसानों नू रोकने वास्ते, ठीक है, बैरीकेड लगे हुए ने, कंडे वाली तारा लगी हुई ने,
पूरा हाईवे है जरा ब्लॉक किया हुआ दूर तक फोर्स ही फोर्स दिखेगी। मैं चाहूंगा एक बार दिखा दो ऑडियंस में ठीक है फोर्स ही फोर्स है इतने और एक लाउड स्पीकर भी लगे हुआ है अनाउंसमेंट करने वास्ते। जनता भी आ रही है। ये है यहाँ का सीन सिंगू बॉर्डर का ठीक है। बोर्ड हटा दिया गया है जो कि हरियाणा में वेलकम करते हैं तो एक आता है बोर्ड वो भी हटा दिया गया है और रास्ता जो है मैं आपको बताना था रास्ते का बहुत लोग पूछ रहे थे तो वो गांव से निकलकर रास्ता जा रहा है ठीक है हरियाणा को और दिल्ली को। पता नहीं गाइस कितनी मतलब हजारों में ये आज तक वाले भी आए हुए हैं पता नहीं कौन कौन से आए हुए हैं न्यूज वाले सब इतने हजारों की गिनती में ये पुलिस वाले अपना खड़े हुए हैं कवरेजें हो रही हैं। हम जा रहे हैं गाइस दूसरी तरफ ठीक है यहाँ देख लो सारी फोर्स लगी हुई है दूसरी तरफ जा रहे हैं क्रॉस करते हुए। इस रोड पे गाइस हमारी एक्टर भागती थी ठीक है एक टाइम अभी कुछ टाइम पहले आगे जा रहे हैं ठीक है बोरियों पे पैर रख के जाना पड़ेगा। देखो जी ड्रोन उड़ रहा है ऊपर ठीक है अथरू गैस वाला भी होता है कि ये नॉर्मल ड्रोन हटो हम लोग आ गए जी इस पास से आ जाओ जल्दी आओ दूसरे पास से आ गए ठीक है गए तुम रोड के इधर भी ये पूरे बैरियर बुरियर है और यहीं पर ही पिछली बार किसानी मोर्चा था सिंगू बॉर्डर की स्टेज जो थी गए वो यहीं पर ही थी देख लो और ये हरियाणा वाला जो बोर्ड है वेलकम टू हरियाणा वाला वो भी उतार दिए गए दोनों बोर्ड यहाँ से दिल्ली के लिए आ जाता है उधर से हरियाणा का वेलकम वाला बोर्ड हटा दिया पूरा ठीक है और ड्रोन यार यहीं पर उड़ा रहे हैं ठीक है मेरे बिल्कुल ऊपर चलते जा रहे हैं आगे हम आपको यार पूरा दिखाने ही आए हैं तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। एक तरह सेवा के लिए ट्रैक्टर भी तैयार है वैसे हरियाणा हरियाणा पंजाब भाई भाई छोटे बड़े भाई हैं भाई भाई है कोई दिक्कत नहीं चलो आता है ना हाँ मीडिया को मीडिया आगे पर फिर मम्मी गांव से घूम के आएगा जो पंजाब से आ रहा है सोनीपत से आ रहा है उस साइड से तो वो दिल्ली में एंटर होने के लिए गांव के रास्ते से आएगा वो आगे से है रास्ता। वालियां तारा ने ठीक है मतलब कंडे वालियां ये सब यहाँ लगी हुई है बैरीगेड दिया बहुत लंबी तुम देख सकते हो लेयर लगी हुई है ठीक है तो अपना शंभू तो है वाले पट देते हैं किसानों ने ठीक है बन के अपना ट्रैक्टर दे नाल ते ऐ देख लो पूरा दे हथ कट जाएगा कोई हथ लावेगा ऐ देखो जी मोटियां मोटियां जाले सब लगे हुए है देखे। वापसी आपको दिल्ली जाना है ना तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पंजाब से आ रहे हो तो जहाँ मैं अभी वीडियो सारी दिखाई है वहाँ से पीछे से एक रास्ता कटता है गांव से वो यहाँ साइड से निकलता है ठीक है तो आप यहाँ ज्वाइन हो जाओगे और वैसे अगर दिल्ली से आ रहे हो वापसी जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो यहाँ कैनोपियाँ लगी हुई हैं सब पुलिस वालों की और जो ऊपर वाला हाईवे ये तो पूरा कैसे इन्होंने मतलब फ्लाईओवर सॉरी ये बंद किया हुआ वहाँ से नहीं जा सकते आप आपसे गए थे हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर ये जो कूड़े वाला पहाड़ है यहाँ पर अब कोई ब्लॉकेज नहीं है ठीक है कोई मतलब बैरिकेड मतलब लगे हुए हैं बट उतनी ही नहीं है ठीक है मतलब जितनी सिंगू बॉर्डर पे थी देख लो पुलिस के बैरिकेड हैं और सीमेंट वाले जो ये होते हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो जी मैं अपने पहुँचने वाला हूँ घर और अभी आपको मैंने दिखाया था क्या सब वहाँ सिंगू बॉर्डर पे सीन चल रहा है ये कवरेज मैंने की अपनी मॉम के साथ और कैसी आप कवरेज चाहते हो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ कहाँ का ब्लॉग बनाऊँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो और आगे भी अगर जो भी सीन होएगा अपडेट होगी हम आपको जाके पूरी कवरेज देते रहेंगे ठीक है अपडेट अबाउट सिंगू बॉर्डर और जो गाइस मैं सोच रहा था ना मतलब न्यूज में जो मैं देख रहा था क्या सीन है वैसा कुछ अलग ही था यहाँ की जो रियलिटी देखी जो सीन था अभी फार्मर गाइस यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं बट फोर्स वैसी पहले लग गई है ठीक है यार मतलब मुझे एक बात वैसे करनी भी थी गाइस आप सबसे किसान अभी देखो मम्मी 200-300 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं है ना और उल्टा 400 किलोमीटर है हाँ शंभू इन्होंने पहले ही यहाँ बैरिकेडिंग कर दी मतलब पंजाब जाने के लिए नरेला से रास्ता कट रहा है मतलब दिक्कत तो है ही ना हम जो आगे जा रहे है ना
तो ये भी मुझे अपना एक अपना ओपिनियन है, आप दो अपना ओपिनियन ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में, और आगे भी कवरेज हम करते रहेंगे। मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग के साथ, तब ले गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय।